KSN 24 पल पल की खबर। धान उपार्जन केंद्र उप शाखा बड़े खैरा में पहले तो किसानों से धान नमी है कहकर 1 से 2 किलो ज्यादा तौल कर धान खरीदी किया जा रहा था, लेकिन अब बेमौसम बारिश से किसानों का धान पानी में भीग कर अंकुरित होता देखा जा रहा है। किसानों को भीगे धान के बारे में पूछा तो किसानों ने बताया कि हमें धान लाने के लिए टोकन काटा गया, फिर हम लोग धान को लेकर गए और सरकारी बोरी में पलटी किया, लेकिन हमालों की कमी के कारण धान का तौल नहीं हो पाया। जितना धान बारिश में भीगा हुआ है उसका यहाँ जो फंड प्रभारी के कारण हुआ है ना, तो ठीक से यहाँ फंड बनाया गया है। खेतों में धान को रख दिया जाता है, थोड़ा सा बारिश से खेतों में पानी भर जाता है, न तो धान की सुरक्षा के कोई इंतजाम किया गया है। किसानों के साथ साथ सरकार का भी धान बारिश में भीगा पड़ा है। अब देखते हैं कि खबर चलने के बाद शासन प्रशासन के अधिकारी इस धान खरीदी केंद्र पर क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज।